चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड फन वीडियो होने वाला है बिकॉज मैं जा रही हूँ बाहर। सो बेसिकली टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट अ डे इन माय लाइफ। तो आज पूरे दिन मैं क्या क्या करूंगी, मैं सब कुछ व्लॉग करने वाली हूँ। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, तब से मैंने कोई भी मूवी नहीं देखा, तो मेरा बड़ा मन था मूवी देखने का। लास्ट टाइम जब जनवरी में फाइटर रिलीज हुआ था, तब भी मुझे बड़ा मन था, बट लास्ट में पता चला कि यहाँ पे वो रिलीज नहीं होगा, गल्फ कंट्री में वो बैन है। तो उस टाइम तो मैं मूवी देख नहीं पाई, तो फिर से अभी तेरी बातों में उलझा जिया मूवी रिलीज हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलो आज चलते हैं। बाय द वे ये प्लान मेरा नहीं है, एक्चुअली क्या है ना कि नेक्स्ट वीक है वैलेंटाइंस डे, तो उस दिन तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ही आज का प्लान बनाया है कि चलो आपको मन था तो चलो मूवी देख लेते हैं, उसके बाद आप शॉपिंग कर लेना, आपको जो कुछ भी लेना होगा वैलेंटाइंस डे के लिए, और फिर कहीं अच्छी जगह पे हम जाके डिनर कर लेंगे। तो इतना अच्छा ऑफर कोई बेवकूफी मना करेगा भाई? मैं तो कभी मना नहीं करने, मैंने फटाफट से बोला कि ओके चलो चलते हैं, एंड मैं जाके फटाफट से रेडी हो गई। रेडी होके मैंने सोचा कि चलो ये ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, बस अभी 5-10 मिनट में निकलेंगे ही। बाय द वे ये वीडियो जाएगा लाइव वैलेंटाइंस डे के दिन, सो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड माय यूट्यूब फैमिली। तो चलो हम जा रहे निकलने, एंड आपसे मिलती हूँ डायरेक्टली मॉल में। ओके गाइस, सो मूवी स्टार्ट होने को आया, सो हम लोग जाएंगे अब अंदर। जब तक मूवी स्टार्ट नहीं होता मैं पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही हूँ। मस्त वीडियो खराब कर रहे मेरा। जब तक मूवी स्टार्ट नहीं होता मैं पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही हूँ, एंड यहाँ का थिएटर देखो बहुत खाली है, कुछ कुछ लोग हैं। हिंदी मूवीज यहाँ पे कोई जल्दी देखता नहीं है ना। 5 मिनट में मूवी स्टार्ट होगा। पहली बार किसी से नजरें मिला, पहली बार किसी की हंसी देखकर खुद मुस्कुराना, फिर पहली बार उसे छूना और पहली बार उसकी बातों में उलझ जाना, और फिर एक दिन उसे खो देने का गम। ज्यादातर ऐसी ही होती हैं लव स्टोरी। कुछ अलग थी पर थी तो ऐसी ही मेरी भी लव स्टोरी, बट लाइक दे ऑलवेज से इट्स नेवर ओवर till it's actually over. Baby, 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 baby
ओके गाइस, सो मूवी हो गया खत्म। एंड मूवी की बात करूं तो अच्छी मूवी है, एंटरटेनिंग है, वन टाइम वॉच के लिए सही है, आप देख सकते हो। तो मूवी से निकलने के बाद हम डायरेक्टली गए शॉपिंग के लिए। सबसे पहले तो मैं थोड़ा एक दो सैंडल देख रही थी अगर कुछ अच्छा लगे तो, बट मुझे कुछ खास नहीं लगा। कुछ के डिजाइन अच्छे थे बट वो एकदम फ्लैट थे, तो बेसिकली मुझे जो चाहिए था उस टाइप का नहीं मिला। फिर मैंने देखा ये ज्वेलरी वाला काउंटर, यार यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी इयररिंग्स थी ना, सारे डेंटी कलेक्शंस यहाँ पे थे और देख के ही मेरा तो दिल आ गया। तो इसमें से मैं कुछ ना कुछ तो जरूर लेने वाली हूँ, तो इतनी अच्छी अच्छी ज्वेलरी छोड़ के तो मैं जा नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ तो मैंने लिया ही होगा एंड ले लिया। फिर मैं वहां से निकली दूसरे आउटलेट पे, तो वहां पे मैंने कुछ पैंट्स ट्राई किए जो कि मतलब ठीक थे, उतने भी अच्छे नहीं लगे फिटिंग वाइज। एंड मुझे एक जीन्स लेना था, तो फिर मैंने जीन्स भी एक दो ट्राई किया, तो उसमें से मुझे तो वहां से इनमें से एक जीन्स मैंने ले लिया। उसके बाद हम गए थोड़ी बहुत ग्रोसरीज की शॉपिंग करने, बिकॉज उसमें जब आउटलेट था तो सोचा कि चलो कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं, और उसके बाद फिर वहां से हम निकल पड़े। हाय गाइस, वी आर बैक एंड मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आने के साथ ही मैंने चेंज कर लिया, मेकअप वेकअप सब रिमूव कर लिया। उसके बाद मन तो था कि मैं बेड पे पड़ जाऊं, बट फिर सोचा कि इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। वैसे ये व्लॉग बीच में रोकना पड़ा क्योंकि मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो डिनर टाइम का कोई भी क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई बिकॉज मैंने शूट ही नहीं किया। फोन ने मुझे बहुत ही बुरा धोखा दे दिया। आजकल पता नहीं क्यों मेरे फोन की बैटरी इतनी जल्दी डेड होती है ना, ऐसे चुटकियों में मेरी फोन की बैटरी जाती है। लगता है अब मुझे एक पावर बैंक लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा सारा ब्लॉग आधा अधूरा होने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं ट्रिप पे गई थी तब भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी और अभी भी मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुआ। बट यहाँ मैं अपडेट आपको दे देती हूँ कि शॉपिंग के बाद हम बस डिनर करने गए थे, उससे ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो आपने ज्यादा कुछ मिस आउट नहीं किया है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं जो शॉपिंग पे गई थी तो मैंने क्या क्या लिया। वैसे बहुत कुछ ज्यादा मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ उतना जल्दी जल्दी पसंद आ नहीं रहा था, तो बस एक दो चीजें ही लिया है। बहुत सस्ते में निपट गया मेरे हस्बैंड, बट नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, बिकॉज हमें शॉपिंग करने के लिए कोई पर्टिकुलर डे की जरूरत नहीं होती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया है। तो ये दो पैकेट है, सबसे पहले ना मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो पहले तो मैंने बहुत सारे इयररिंग्स लिए हैं, बिकॉज इयररिंग्स मेरे पास जितना भी हो ना मुझे कम ही लगता है, तो मैंने लिए है ये सारे इयररिंग्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ, लुक एट दिस, बहुत ज्यादा प्रिटी है ये, इंडियन और वेस्टर्न ये दोनों पे ही जाने वाला है। उसके बाद मैंने लिया है ये, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर का इयररिंग्स, इतने प्यारे प्यारे हैं ना। आजकल मुझे ऐसे डेंटी इयररिंग पीसेस बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड ये सारे बहुत प्रिटी है, एक एक करके मैं सब पहनूंगी और आपको जरूर देखने को मिलेगा आगे। सो ये सारे इयररिंग्स मैंने लिए हैं। एंड उसके अलावा मैंने ये रबर बैंड का सेट लिया है, बिकॉज यहाँ पे मैं कोई रबर बैंड नहीं लेके आई हूँ तो मैंने लिया है। एंड लास्टली मैंने लिया है एक ब्लू जीन्स, बिकॉज मैं यहाँ पे सिर्फ एक जीन्स लेके आई हूँ ब्लैक वाला, तो मैं अभी जितने दिन से आई हूँ ना जहाँ जा रही हूँ मैं वही जीन्स पहन रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि एक ब्लू जीन्स देख लिया जाए, तो मुझे ये जीन्स बहुत अच्छा लगा एंड ऐसा ही ब्लू कलर मुझे चाहिए था, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। मैं टॉप भी देख रही थी बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, वैसे लास्ट टाइम मैंने दो टॉप लिया था, इसलिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे अगर कुछ अच्छा लगा तो इसके साथ। एंड सो या इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।